बहुत ठंड हो रही है। हाँ दोस्तों, मैं उठ चुका हूँ यहाँ पे, और मेरे जितने भी दोस्त हैं बाकी वो सब सो रहे हैं। और मॉर्निंग में वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है और हल्की हल्की हवा चल रही है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ पीछे, अभी दिखाता हूँ, ये देखिए स्नो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना माउंटेन्स। ये जो हमारा कॉटेज है ये पहाड़ों के बीच में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपने कल देखा होगा तो हम कल रात को यहीं पर बैठे हुए थे, और मैं अब ऊपर आ चुका हूँ। ये हमारे कॉटेज के ऊपर ही बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। इससे अच्छी मॉर्निंग नहीं हो सकती। हमारा कॉटेज, यहाँ पे भी स्नो गिरी हुई है, और इसके पीछे देखो निकल पड़े हैं अपने राह पर। जैसे कि आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज है। कसौल में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की शॉप। मजा आ रहा है? अरे बहुत। यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील। अच्छा, बहुत अच्छा फील। बहुत अच्छा, बस काफी अच्छा। दोस्तों देखिए, और ये देखिए, और फिर ये देखिए, कितना अच्छा व्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट। आ जाओ ऊपर। आ गया यार, ये ले। चल 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 चल, थोड़ी सी पीछे से स्टार्ट लगा तेरी जो टपक रही होगी। गल ले चलता है इस कुत्ते को। आराम से ले। नहीं गिर रहा। आयुष, बॉडीगार्ड हूँ सर, और बॉडीगार्ड बैठ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम मणिकरण गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं। हे दोस्तों, फाइनली हम मणिकरण गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे, ये सामने एंट्री है, और इधर भोलेनाथ का मंदिर है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे देखिए, वाओ, ये देखिए। दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं मणिकरण साइड। दोस्तों मैं कसौल के मणिकरण के पास शंकर भगवान जी का मंदिर है, मैं वहाँ आ चुका हूँ। ये देखिए पीछे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
हॉट वाटर सामने भोले बाबा सब यहाँ पे गर्म पानी में चावल डाल रहे हैं और यहाँ पे खाना बनता है। मैं तो देख दिया नहीं। ये देखिए यहाँ पे खाना बनता हुआ। जय भोले जी को यहाँ के करिश्मे की स्टोरी पढ़नी हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये स्नान घर है मंदिर के पास में और यहाँ से व्यू देखो और सामने नदी बह रही है वहाँ ठंडे पानी यहाँ गर्म पानी। ऐसी मान्यता है कि अगर नंदी जी के कान में कुछ विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है तो अभी मैंने मांगी है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंदिर का बैक एंड साइड है और यहाँ से भी देखो आप एक बार जो मंदिर में मंदिर का जो वाटर है हॉट वाटर वो यहाँ पे मिल जाता है नीचे पानी में और देन यहाँ रिवर में मिल जाता है। आप नीचे देख सकते हैं जितने भी पत्थर हैं वो सारे रेड रेड आपको दिख रहे होंगे बिकॉज यहाँ पे हॉट वाटर है उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं वो रेड हो चुके हैं। पूजा कर ली और हम जा रहे हैं आगे की ओर। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे स्नान करने के लिए। यहाँ पे स्नान का स्थान है ये मणिकरण गुरुद्वारे के सामने है देख सकते हैं आप। और यहाँ पे पूरा गर्म पानी है पूरा हॉट वाटर आप देख। हाँ भाई सुख मौज आ रही है इधर देखो इधर। दोस्तों ये देख सकते हैं आप ये है कसोल का नेचुरल पार्क। बड़े वाल होने का यही डिसएडवांटेज है कि गीले वाल हो जाए तो सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो दोस्तों ये बहुत अच्छे स्वेटर्स हुडी क्या रेंज है भैया इनकी हुडी ये हो। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ दिस पार्क। हे दोस्तों फाइनली हम नेचुरल पार्क आ चुके हैं कसोल के। पूरा टाइम तो हमारा ऐसे ही निकल गया आगे रोडी में तो इवनिंग में बहुत अच्छा मॉल है तो सबका मन करने लगा कि पार्क घूमते। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पार्क ये देखिए ये जितना भी पार्क है बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है। दोस्तों मैं ट्री हाउस के ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बना हुआ है और अच्छा भी है और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक हमारा सिपाही हारता हुआ और ये अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। हाँ भाई यहाँ क्यों बैठ रहे हो बचपन के दिन याद। मसूरी में भी आप यहीं बैठे हुए थे ऐसे झूलों पे जाके याद है मसूरी में बेंच पे बैठा सबसे अलग जाके। दोस्तों जिन्होंने भी मंसूरी वाला हमारा ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। नहीं। 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 नहीं।
तो दोस्तों मैं आपको पूरा पार्क घुमाता हूँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है। आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। और जो यहाँ का टिकट है बहुत एक्सपेंसिव ही है, ओनली 20 रुपीज। दोस्तों ये जो पार्क है वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगा और अच्छा लगा, यहाँ पे आके बहुत पीस मिला। और बट मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ देखी जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा और जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलो मैं नीचे चलता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़े देर स्ट्रेस है यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ, बने रहिए। ये देखिए दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, वो खूबसूरत जगह। अगर आपको वॉइस या साउंड आ रहा होगा, तो साउंड आ रहा होगा तो आप समझ चुके होंगे मैं कहाँ हूँ। ये पार्क है और ये साथ में रिवर, वाओ। और यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है, आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये इतनी अच्छी ब्यूटीफुल रिवर है, बट मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नेचुरल वाटर आ रहा है पहाड़ों में से, और अगर हम इनको गंदा करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन डस्टबिन लगे हैं साइड पास पास में, आस पास में, तो कोई भी वहाँ डस्टबिन में नहीं डाल रहा, सबने यहीं पर डाला हुआ है, जो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए कितने खूबसूरत है नज़ारे यहाँ के, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये हमारे दोस्त फिसड्डी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा हम नीचे इस पार्क में बैठे हुए थे अभी, और मैं अब ऊपर आ चुका हूँ। दोस्तों देखिए शाम हो चुकी है और नीचे कितना प्यारा व्यू है। हम निकल चुके हैं अपनी राहों पे फिर से नई जगह, मैं आपको बताता हूँ एक और जगह यहाँ पे, एक सरप्राइज़ है, चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वाओ, अभी नीचे जाने के लिए जो मैंने आपको बताया सरप्राइज़, मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। देखिए फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह पर जो मैंने बताया था आपको, सरप्राइज़ दूंगा। ये जगह है यहाँ पे हॉट वाटर है ये, और ये कोल्ड वाटर, ये हॉट वाटर। अभी मैं जाता हूँ आगे। ये देखिए यहाँ पे पूल बना रखा है छोटा सा, कि हॉट वाटर। यही वो जगह थी जो मैं आपकी आपसे सबसे बात कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा। और कसोल है ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा। आज हमने हिमाचल की मशहूर डिश मंगाई है थुपका, तो हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा होगा। 9-10 तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं घर के लिए। बाय बाय कसोल, बाय बाय कसोल। दोस्तों हम भुंतर पहुंच चुके हैं और यहां से हमारी बस जाएगी दिल्ली के लिए। ये हमारी जीप आई थी और ये हमारी बस। और सामने अगर आप व्यू दे सकते हो तो दोस्तों मूलथल में दिल्ली से 50 किलोमीटर पहले हमारा कट चुका है चालान,
और हमें यहाँ पे बस में ऐसे उतरना पड़ेगा, ये हमारे गंदे लगने वाले हैं। दोस्तों हमारा चलान कट चुका है, ये हमारी बस है जो कि पार्किंग में आके खड़ी करवा दी है, और बाकी ड्राइवर और कंडक्टर वहाँ पे जाके डिस्कस कर रहे हैं।